एमबी वैली का नाम सुना होगा आपने, हमारे सारे निवेशक उसका जिक्र करते रहते हैं। एमबी वैली का जो वैल्यूएशन है, जो सहारा प्रबंधन कहती है अपने हिसाब से, उसके हिसाब से उनका वैल्यूएशन है 1,00,000 करोड़ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वैल्यूएशन किया हुआ था, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर बिठा करके, उनका वैल्यूएशन उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए बताए थे। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े लैंड है, जैसे मुंबई में बारसोवा में लैंड है, लगभग 106 एकड़ का लैंड है, उसी प्रकार से कोलकाता में लैंड का बड़ा टुकड़ा है, वहां है। ऐसे जो छोटे 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 और बड़े लैंड का जो लैंड बैंक है सहारा ग्रुप के पास, उसका जो कैलकुलेशन है वो 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का कैलकुलेशन है। और अभी अगर हम सरकार के हिसाब से चलें तो लगभग 86,000 करोड़ का डिमांड आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं 86,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 86,000 करोड़ का मतलब हुआ कि ये जो 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट में अभी हैं, जिससे कि 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने रिलीज किया है और जो पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है 10,000 करोड़ का, जिसमें कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है, कितने लोगों को मिला कितने लोगों को नहीं मिला, ये सब ढाक के 3 पात हो रहे हैं। लेकिन जिनको भी मिला है चलिए उनको बधाई, सरकार की नीयत ठीक है कि नहीं है ये अभी पता चलेगा, जबकि 10,000 भी वो लोगों को दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। अभी तक का तो रिकॉर्ड ये है कि 10,000 रुपए के आवेदन के लिए भी जिन लोगों ने आवेदन किया उसमें से 80-90% आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। ये बात मैं कई बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार को बता चुका हूं कि भारत सरकार उसका या तो कोई ना कोई तरीका निकाले, भारत सरकार देखे कि आखिर क्यों पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या यह जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है, निवेशक नहीं है। अगर वो जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है तो आप कह दीजिए कि साहब डिस्क्रिपेंसी क्यों कह रहे हैं, आप कह दीजिए सीधा सीधी कि भाई आप इन्वेस्टर ही नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, एक तो वो टैक्स से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का बहुत जानकारी नहीं है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको टाइम नहीं होता है, वक्त अगर निकालते हैं तो फिर वो अपलोडिंग के लिए जाते हैं, उनके पास जो कागजात होते हैं वो कहा जाता है कि आपका कागजात, आपका जो कागज है वो बोनाफाइड नहीं है, और इस प्रकार से आप डिफिशियंसी करके आप उनके अकाउंट को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। मित्रों, बात अब यहीं से शुरू हो रही है कि ये जो चूहे बिल्ली का खेल है इसको खेलना बंद करिए। और सहारा प्रबंधन को इस बात का यकीन हो गया है जनता की महाअदालत के बाद कि चूहे बिल्ली का खेल अब लंबे समय तक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार जो ये झुंझुना पकड़ा रही है उससे काम नहीं चलेगा। सरकार अगर इसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है तो उठाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये पैसा लोगों का दे तो दें, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपको वोट भी कर देंगे अगर आप पैसा दे देंगे तो। लोग तो कह रहे हैं सरेआम हमारे नेटवर्क पे, जब तक मत भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, आप भुगतान कर दीजिए वो मतदान कर देंगे, उन्हें क्या लगी पड़ी है आपसे, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है ही नहीं निवेशकों को, वो तो सिर्फ इतना चाह रही है निवेशक हमारे चाह रहे हैं कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम परेशान हैं। और सहारा प्रबंधन भी अब ऐसा लगता है कि शायद उनको लग रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मित्रों हमारे तक ये सूचना पहुंची है, मैंने आपको पिछले बातचीत में कहा था कि मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा सहारा प्रबंधन को, मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मुझे ये कहा गया कि देखिए अभी जो 5,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि सरकार उसको देख रही है, लेकिन जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही, कंपनी कोशिश कर रही है। लेकिन अब 47,000 करोड़ का एमबी वैली जिसको सेबी को दे दिया गया था चाबी, सेबी नहीं बेच पाई, अब वो क्यों नहीं बेच पाई, क्या उसमें अड़चन थी वो अलग बात है, उस समय मंदी चल रहा था मार्केट में या क्या पोजीशन था, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं थी, तो जब सेबी नहीं बेच पाई तो मुझे भी बेचने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है। और मैंने कई बार, उनका यह कहना था सहारा प्रबंधन का कि मैंने कई बार, हमारे स्वयं सहारा श्री जी आकर के
इन्वेस्टर को, निवेशकों को कहा है कि हम पैसा देंगे, लेकिन वो फेल हुए हैं। हमारा सवाल था कि आप जब कई बार ये बोलते रहे तो फेल क्यों हुए? हमने क्यूसॉप का भी मुद्दा उठाया, हमने बहुत सारी चीजों का मुद्दा उठाया कि आपने कन्वर्जन करा लिया, क्या आवश्यकता थी कन्वर्जन कराने की? तो उनकी दलीलें ये थी कि साहब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कई बार हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें इंटेंशन ये नहीं था हमारा कि हम निवेशकों का पैसा हड़प लें, पैसा लेके भाग जाएं। ये जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है ये अनुचित है। हमने उन्हें कहा कि जब हमने अदालत लगाई थी तो हमने आपको संदेशा भेजा था कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए अदालत में, आप क्यों नहीं भेजे, आप क्यों नहीं भेजे? तो उन्होंने कहा कि साहब वहां हम जाएंगे तो हमारे खिलाफ लोगों का गुस्सा कहा है। हमने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, आपके खिलाफ अगर गुस्सा है उस गुस्से पर कोई आपको हानि नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं बुला रहा हूं आपको, मैं आपको अपने शो में भी आमंत्रित करना चाहता हूं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए। कई बार निवेशकों ने इस बात का जिक्र किया आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तो। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है, मांग बिल्कुल जायज है, जिन लोगों का हमारे पास पैसा है उनकी नाराजगी जायज है, हम नहीं दे पा रहे हैं, हम कबूल करते हैं, लेकिन हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। पहले जो सेबी और उसके बीच की लड़ाई थी वो हो रहा था, उस पर भी हमने उनसे सवाल पूछा कि साहब सेबी और उनकी लड़ाई में तो आप समय टाइम बाई करते रहे और टाइम बाई कर करके आपने निवेशकों को एक प्रकार से परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब आप जो भी कह लें, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि हमारी कोशिश है कि हमारे जो लैंड बैंक हैं या हमारी जो और कोई संपत्ति है हम उसको निकाल करके हम ये पैसा देंगे। ये बात सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधकों से, प्रबंधन से हमारी हुई है। हमारी मजबूरी मित्रों ये है कि हम उनका नाम आपके सामने नहीं ले सकते, इसलिए कि उनकी मजबूरी है बेचारे की, क्योंकि वो लोग वहां पर नौकरी करते हैं और उनके साथ परेशानी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें गुड फेथ में कहा है कि हम आपके हर एक कार्यक्रम को देखते हैं, हर बात को सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आप कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है, मुझे मालूम है कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमने कहा न सिर्फ मैं वरन की एक एक निवेशक आपका दुश्मन नहीं है, और सारे निवेशक ये कहते हैं कि हमारी आज भी कोशिश है कि सहारा खड़ा हो जाए। लेकिन आपको अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, अगर आप नीयत ठीक नहीं करेंगे तो हमारा अभियान तो इस तरह से जारी रहेगा। मैं किसी भी सूरत में इस अभियान से अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं, ना मैं रोक सकता हूं। हमारा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, हमारा कोई गिव एंड टेक नहीं है, ना आपसे ना निवेशक से, निवेशक बंधु से नहीं है ना आपसे है, कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमारा सिर्फ यही है कि ये मुद्दा जायज मुद्दा है, जायज मुद्दा की सुनवाई कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जायज मुद्दा की सुनवाई कीजिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। मैं जानता हूं, हो सकता है कि आप परेशान हो सकता है कि आप कहीं फंसे हुए हो, तो एक बिजनेसमैन के जो परेशानी है उसे हम समझ सकते हैं, हम समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें यह कहा कि क्या यह बात सच नहीं है कि हजारों लोग काल के गाल में समा गए, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्या यह बात सही नहीं है?